हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में टेक्स्ट रैपिंग कैसे करते हैं। तो टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? टेक्स्ट रैपिंग अगर आप करना चाहेंगे तो कोई अगर आप शेप्स डाल रहे हैं या कोई ऑटो शेप्स या कोई पिक्चर डाल रहे हैं तो टेक्स्ट के साथ कैसे अलाइन होनी चाहिए, वही टेक्स्ट रैपिंग होता है। तो मैं एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। यहां जाकर मैं कुछ टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ। F1 क्लिक करने से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का हेल्प डॉक्यूमेंटेशन आएगा। तो यहां जाकर कुछ टेक्स्ट कॉपी करता हूं मैं। तो ये टेक्स्ट कॉपी करके राइट क्लिक करके कॉपी करके पेस्ट करता हूं मैं। सो मैंने कॉपी किया है तो आएगा ये अभी स्क्रीन में। मैंने ये सब कॉपी किया है। तो इस पूरा टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूं और उसका फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन और साइज 12 बना देता हूं। ये सिर्फ एक सैंपल टेक्स्ट है आपको दिखाने के लिए ताकि कैसे करेंगे हम टेक्स्ट रैपिंग सब कुछ। यहां जगह अगर मैंने कोई शेप ऑटो शेप डाला, क्लिप आर्ट पिक्चर कुछ भी डाल सकते हैं, मैं एक ऑटो शेप डालूंगा। जब ये डाला तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट के सामने आ रहा है, पीछे वाला टेक्स्ट नहीं दिख रहा। तो इसे कैसे हम अलाइन करेंगे? तो इसके लिए हम टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे। जब ये सिलेक्टेड होगा तो ये ऑप्शन आएगा। यहां जाकर आप कलर सब कुछ चेंज कर सकते हैं आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहां जाकर मैं टेक्स्ट रैपिंग में जाकर अगर मैंने स्क्वायर कहा तो आप देख सकते हैं ऐसे स्क्वायर आया है। अभी देखिए ये पूरा स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा, तो आप पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दीजिए, अलाइनमेंट जस्टिफाई कर दीजिए। तो अभी जाकर देख सकते हैं अब स्क्वायर जैसा दिखेगा। ऐसे आप जस्टिफाई करने से ही, अलाइनमेंट जस्टिफाई करने से ही ऐसा आएगा। अगर मैं ये सेलेक्ट करूं तो वो ऑप्शन आते हैं जो टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन है। तो यहाँ टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन अगर मैंने टाइट कहा तो आप देख सकते हैं ऐसे टाइटली अलाइन होगा सब कुछ, रैप हो जाएगा टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट कहा आपने तो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा जैसा बैकग्राउंड की तरह। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कहा तो पहले जैसा था टेक्स्ट के सामने आ जाएगा। ऐसे आप टॉप इन लाइन विद टेक्स्ट आपने कहा तो ये टेक्स्ट के साथ लाइन में खड़ा हो जाएगा। अभी देखिए इसके बाद ये ऐसा लाइन इन लाइन विद टेक्स्ट आ जाएगा। तो मैं सेंटर स्क्वायर या टाइट सेलेक्ट करता हूं तो आप देखिए ऐसा अब इसे कहीं भी जाकर खींचिए, देखिए वो अलाइनमेंट अपने आप कर लेगा, वो रैपिंग टेक्स्ट रैपिंग भी कर लेगा। ऐसे आप कोई भी टेक्स्ट को ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमने रैप पॉइंट सेलेक्ट किया, अभी देखिए यहां जाकर मैं एडिट रैप पॉइंट्स में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स आए हैं वो यहां, तो इसे आप खींच सकते हैं कहीं भी। देखिए ऐसा खींचा आपने तो उसके हिसाब से वो आ जाता है, टेक्स्ट रैप हो जाता है। देखिए ऐसे आप जैसे टेक्स्ट रैप पॉइंट्स कैसे खींचेंगे उसके हिसाब से वो आ जाएगा। तो ये सब कहां यूज करते हैं? जो फॉर एग्जांपल हम टाइट सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल जेड ओके ओके अभी टाइट है। ये कहां देखा होगा? आप देखा होगा कोई न्यूज़पेपर में जब हीरोइन का फोटो या हीरो का फोटो या कोई बिजनेसमैन के फोटो के साथ अक्षर अलाइन होनी चाहिए, टेक्स्ट रैप होनी चाहिए, तो तब यूज करेंगे टेक्स्ट रैपिंग। तो आप भी यूज कर सकते हैं ऐसे टेक्स्ट रैपिंग। तो इसमें हम टेक्स्ट रैपिंग देखा। इसके बाद मैं पोजीशन दिखाता हूँ। देखिए पोजीशन आप पेज में कहाँ रहनी चाहिए इमेज वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ रहनी चाहिए, यहाँ रहनी चाहिए, यहाँ या यहाँ, देखिए कहीं भी आप चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऐसा किया तो ऐसा भी आएगा। ऐसे आप कहीं भी पोजीशन कर सकते हैं उस पिक्चर का, तो पिक्चर पोजीशनिंग हो गया।
तो इसके बाद मैं कुछ ऑटो शेप्स डालता हूँ। ये जो टेक्स्ट रैपिंग हमने किया किसी पिक्चर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप कोई पिक्चर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ जाकर एक क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट क्लिप आर्ट कहा हमने, क्लिप आर्ट डाला मैंने, तो इस क्लिप आर्ट को भी आप टेक्स्ट रैप कर सकते हैं। देखिए टाइट स्क्वायर सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे आप कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, जैसा एक स्मार्ट शेप, स्मार्ट आर्ट या शेप्स के साथ हमने किया था वैसे ही आप यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं सिखाता हूँ कुछ अरेंजमेंट कैसे करते हैं कुछ ज्यादा शेप्स की हो। तो अगर हमने ये सिलेक्ट किया और एक ट्रायंगल लिखा, सॉरी रेक्टेंगल लिखा, उसको कलर सब कुछ सेम है, जो ऑप्शंस मैंने पहले बताया था वही ऑप्शन है यहाँ भी, वो कुछ रूल्स नहीं चेंज होंगे। और यहाँ मैं एक और ऑटो शेप्स डालूंगा, वो होगा एक स्टार डालूंगा मैं, इसका भी कलर आप कुछ भी डाल सकते हैं। और हम इस बार डालेंगे एक स्माइली, तो एक स्माइली सेलेक्ट किया और उसका भी कलर आप चूज कर सकते हैं ऐसे। तो आप देख सकते हैं तीन इमेजेस है हमारे पास, तीन शेप्स है। तो ये पीछे है और इसके सामने ये है और उसके सामने ये है। तो अगर मुझे ये सबसे पीछे भेजना है तो मैं सेंड टू बैक कहूंगा तो पूरा पीछे चला जाएगा, और सेंड टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट कहा तो पूरा फ्रंट आ जाएगा। और मुझे ये स्टार और रेक्टेंगल के बीच में भेजना है तो हम यहाँ जाकर सेंड बैकवर्ड कहेंगे, तो आप देखिए इसके बीच में आ जाएगा। ऐसे आप कोई भी शेप को, अगर इस शेप को इस स्टार और स्माइली के बीच में अगर ये रेक्टेंगल चाहिए, रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लो, ब्रिंग फॉरवर्ड कहो, तो आप देख सकते हैं इसके सामने और इसके पीछे है। ऐसे आप सेंड टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ऐसे ऑप्शंस यूज कर सकते हो उसे अरेंज करने के लिए। उसके बाद आप कोई अलाइन करना चाहेंगे, सेंटर पेज के लिए अलाइन करना चाहेंगे, अलाइन मिडिल, देखिए मिडिल अलाइन हो जाएगा, अलाइन राइट, अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। ऐसे आप अलाइनमेंट कर सकते हैं कोई इसका। इसके बाद रोटेट करना चाहेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ डालता हूँ, अगर इसे रोटेट करना चाहता हूँ तो आप देखिए रोटेट बाय 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट बाय 90 डिग्री, वर्टिकल रोटेट, रोटेट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा आपको, तो रोटेट कर सकते हैं ऐसे आप, या ऐसे यहाँ पकड़ कर भी आप रोटेट कर सकते हैं, देखिए ऐसे पकड़ कर भी रोटेट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम ग्रुप करना चाहेंगे, सब चीजों को एक ग्रुप में डालना चाहेंगे, वो भी कर सकते हैं। देखिए इसे मैं ब्रिंग टू फ्रंट या ब्रिंग फॉरवर्ड बोलता हूँ, सॉरी ब्रिंग टू फ्रंट कहा मैं। तो इन सब चीजों को एक ग्रुप बनाने के लिए मैं पहले ये सिलेक्टेड है, रेक्टेंगल सिलेक्टेड है, अभी कीबोर्ड में कंट्रोल पकड़कर एक और सिलेक्ट करूं, वो भी दोनों साथ में सिलेक्ट हो जाएंगे, कंट्रोल पकड़ करना है, इन दोनों को मैं एक ग्रुप में बना सकता हूं, और कंट्रोल पकड़कर इसे भी सिलेक्ट कर सकता हूं। देखिए तीनों सिलेक्ट हो गए और तीनों को एक ग्रुप में कर दिया, तो आप देख सकते सब एक ग्रुप बन गया। अभी मैं एक को पकड़कर खींचो तो सब साथ में आते हैं, तो ऐसा एक ग्रुप बन जाएगा। और यहां जाकर आप अनग्रुप कर सकते हो, देखिए तीनों सेपरेट ग्रुप्स बन जाएंगे। उसके बाद ऐसे आप ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग भी कर सकते हो, सारा कंट्रोल पकड़कर सिलेक्ट करना है आपको सबको और बोलना है ग्रुप, तो ऐसे आप ग्रुप बना सकते हो। कोई भी शेप को पकड़कर खींचो सब शेप्स आ जाएंगे साथ में। ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं अपने ऑटो शेप्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट रैपिंग और शेप्स अरेंज करना। सो ये सब कुछ आप न्यूज़पेपर या मैगजीन करने के टाइम में ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने टेक्स्ट रैपिंग के बारे में बहुत कुछ जाना है, तो अगले वीडियो में ज्यादा कुछ हम सीखेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।